संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप लोगों का अध्ययन बड़े अच्छे से चल रहा होगा। पिछले 7-8 महीने से वीडियो कोई नहीं दे पा रहे थे हम, फिर थोड़ा सा समय निकाल करके आपको देने का प्रयास करेंगे। दरअसल इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण मैं आपको नहीं बता सकता। समय का अभाव सबसे बड़ा है। ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, ये भी लगभग 9 बजे के बाद की वीडियो है रात को, और इतने बजे ही समय मिल पाता है ज़्यादातर। तो शाम के टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता था बनाना, रात को बनाना बहुत समस्या हो जाती थी। आज से फिर थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो तो देने का ही प्रयास करेंगे। कुछ मैंने अभी एक थंबनेल लगाया था, उसमें पूछा था कि आपको किस विषय से संबंधित वीडियो चाहिए, तो उसमें बहुत सारे कमेंट मिले मुझे। आप सभी का जो प्यार है वो मुझे दोबारा वीडियो बनाने पर मजबूर कर रहा है, अन्यथा मैं उसको छोड़ चुका था। वीडियो मैंने लगभग 8-10 महीने से छोड़ दी थी, यूट्यूब चैनल भी सब समाप्त कर दिया था, फिर दोबारा से फ़ोन आए, मैसेज आए, उसके बाद चालू किया है। कोशिश करूँगा आप थोड़े सा और मेहनत करूँ, जिससे कि कुछ ना कुछ लाभ आप लोगों को अवश्य पहुँचता रहे। अधिक तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कुछ तो लाभ पहुँचेगा पहुँचेगा। एक इसमें आज 2-3 बात करूँगा, उसके बाद मैं सीधे एक लक्षण रह गया था तर्क भाषा में, बुद्धि का। बाकी तो हम सारे गुणों को जान चुके थे, बुद्धि को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो बुद्धि के लक्षण के बाद में फिर बुद्धि का ही विस्तृत पूरा तर्क संग्रह खत्म हो जाता है। तो हम तर्क संग्रह को 2-3-4 वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वेदांत हमने समाप्त कर दिया है, सांख्य दर्शन हम लोग 70% समाप्त कर ही दिया है। सारे दर्शनों को समाप्त करेंगे सबसे पहले, क्योंकि दर्शनों में जो उलझाव है वो खत्म हो जाए। और एक दो बार अगर वीडियो देखेंगे तो आशा है कि आपको याद रहेंगे। 2-3 बातें हैं। राजस्थान से एक मैसेज आया था, अलग अलग राज्यों के जो पेपर होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। मैंने कई राज्यों को देखने का प्रयास किया है, और उसमें जो कॉमन है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर मैं आगे सीधे सब्जेक्ट पर लेके चलूंगा। हो सकता है आपको शायद ये बातें ना अच्छी लग रही हों, लेकिन समझना बड़ा जरूरी होता है चीज़ों को। मान लीजिए राजस्थान में कोई पेपर बनता है या परीक्षा होती है, तो सभी में संस्कृत का विशेष रूप से मैंने देखा है, सभी परीक्षाओं में संस्कृत में कभी भी कोई भी 5-6 चीजों का अध्ययन कर ले, साहित्य को छोड़कर, साहित्य की पुस्तकें, जो साहित्य है उसमें 3-4 पुस्तकें तो अनिवार्य रूप से लगती ही लगती हैं, बाकी 1-2 पुस्तक इधर उधर हो जाती हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम लगता ही लगता है, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। दूसरा कृतार्जुनीयम लगता है। तीसरा नैषधीय चरितम। चौथी पुस्तक जो लगती है वो ज़्यादातर शिवराज विजय। पांचवी पुस्तक आपकी जो आ जाती है उत्तर रामचरितम। कहीं कहीं संपूर्ण पूछ लेते हैं, कहीं कहीं तृतीय अंक ही पूछा जाता है, चतुर्थ अंक ही पूछा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अब डिग्री कॉलेज की थोड़ी बात करें तो कभी कभी संपूर्ण पूछ लेते हैं, किसी किसी में कुछ अंक ही पूछ लेते हैं। तो ये पुस्तक 7-8 पुस्तकें हैं, इसमें शिष्यपाल वधम भी है, एक रघुवंश भी है, रघुवंश के 1 या 2 सर्ग पूछे जाते हैं। ऐसे करके ये 8 पुस्तकें हैं, और 1-2 और हो सकती है, स्वप्नवास भगतम भी है शायद एक उसमें, और वैणी संहार, ये 10 पुस्तकें हैं। 10 पुस्तकें हर परीक्षा में नहीं पूछी जाती, ये पक्का है। इसमें से 6 से 7 का एक क्रम रहता है, या 6 पुस्तकें पूछी जाती हैं या 7 पुस्तकें पूछी जाती हैं, ठीक है, लेकिन 1-2 पुस्तकें इधर उधर होती रहती। तो ये साहित्य का अध्ययन तो स्वमेव जयते के हिसाब से, सत्यमेव जयते होता है, स्वयं जयते होता है, अपने आप ही करना पड़ता है। इसका साहित्य को कभी कोई अध्ययन करा ही नहीं सकता। साहित्य का तात्पर्य क्या होता है, कुछ के शब्दार्थ जिसको पक्के से याद है। साहित्य जो है एक तरह से शब्दार्थ पे चलता है ना, शब्द और अर्थ यदि आपको सही से आते हैं। इसमें 3-4 चीजें मैं बता दूं, शब्दार्थ अगर आपको आते हैं तो जो अन्वय होता है, जो पद्यों का अन्वय जिसको बोलते हैं, अन्वय का मतलब क्या होता है, एक पदार्थ के बाद दूसरे पदार्थ की जिसमें आकांक्षा बनी रहती है और उसको पूर्ति कर देता है, वो अन्वय कहलाता है एक तरह से। तो शब्दार्थ जब तक नहीं आएंगे तब तक आप अन्वय नहीं कर सकते, और अन्वय नहीं करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप उसका अर्थ नहीं लगा पाएंगे सही से, क्योंकि
भावार्थ बड़ा कठिन पड़ जाता है, तो उसमें कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं पद्यों में। दूसरी चीज इसमें आती है छंद। छंद बहुत सरल होते हैं, छंद को अगर सही तरीके से समझ लिया, एक दो बार उसके लक्षणों को कंठस्थ कर लो, जैसे सूत्र होते हैं, अगर किसी से कहो कि सूत्र बिना याद करे आप सवाल निकाल लीजिए गणित के, ठीक है ना, तो असंभव है। जब तक सूत्र आपको कंठस्थ नहीं होंगे आप सवाल नहीं निकाल सकते। लेकिन साहित्य संस्कृत वाले दरअसल ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि छंद के लक्षणों को याद नहीं करेंगे, उनके गण नहीं याद करेंगे, कंठस्थ नहीं करते दरअसल, और छंद को समझना चाहते हैं, ये बड़ा असंभव है। तो छंद को यदि समझना है तो सबसे पहले उनके थोड़ा सा नियम याद कर लें, कंठस्थ तैयार कर लो। मुझे लग रहा है कि 2 या 3 दिन अगर बैठ गए ढंग से तो 8 से 10 छंद हैं, और मैं कोशिश करूंगा कुछ समय बाद मैं भी इनको समझा दूं, थोड़ा सा समझाऊंगा, जानते सब हैं किस तरह से करना है ये बताने का प्रयास करूंगा। तो छंद अगर करेंगे तो छंद को सीखना कैसे है, अभ्यास में कैसे आए, तो इसके लिए विशेष रूप से नाटक, जितने भी नाटक हैं, नाटकों में जो पद्य आते हैं, नाटकों में जो पद्य हैं उनमें प्रत्येक पद में छंद अलग होता है। और यदि आप काव्य में चले गए किसी में, तो काव्य में बड़ा मुश्किल हो जाता है। काव्य तो सभी होते हैं, लेकिन जो महाकाव्य के अंतर्गत माने जाते हैं, रघुवंश है, नैषधीचरितम है, शिष्यपाल वध है, इनमें छंद लगभग एक जैसे ही होते हैं, हो सकता है थोड़े बहुत अलग अलग कर दिए जाते हों, लेकिन ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं, बहुत बहुत दूर तक एक एक अंक में, एक एक प्रकरण में, एक एक पाठ में, मतलब छंद एक जैसे होते हैं, तो समझना मुश्किल है। नाटक में जाएंगे तो प्रत्येक आपको जो पद्य आएगा उसमें छंद अलग मिलेगा। तो अभ्यास करने के लिए एक कोई नाटक पकड़ लो और छंद को जिस दिन बैठ जाओ उस दिन 8 दिन छंद को दे दो, 8 दिन लगातार, तो छंद एकदम दिमाग में सही से बैठ जाएंगे। ऐसे ही अलंकार है। अलंकार को थोड़ा सा बड़ा कठिन समझना कठिन हो गया है। अलंकार अभ्यास की चीज हो गई है, इसमें भी बहुत विस्तृत में मैंने एक अलंकार समझाने का प्रयास किया था, वक्रोक्ति अलंकार समझाया था, उसके बाद मैं अनुप्रास अलंकार पर जाकर के अटक गया। अनुप्रास अलंकार साधारण अलंकार नहीं है, उसको हम छोटे से अर्थ में ले लेते हैं कि वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कह देते हैं, ये इतना छोटा नहीं, इतना सरल नहीं है। अनुप्रास को जब मैंने विस्तृत रूप से जानने का प्रयास किया, हमें भी यही पढ़ाया गया था और अभी यही समझाया जा रहा है, लेकिन जब इसको विस्तृत में जाएंगे, और मैं इसका अध्ययन बहुत जल्दी कराऊंगा, लेकिन मैं कब कराऊंगा ये मैं नहीं बता सकता अभी, हो सकता है मैं 1-2 वीडियो से ज़्यादा देने लगूं हफ्ते में, तो बहुत जल्दी कोर्स कवर हो जाएगा। तो अलंकार को बड़ा सरल है समझना, लेकिन उनको विस्तृत में जाकर के उनके अर्थों को सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये आपको करना पड़ेगा। तो साहित्य का जो प्रश्न है, साहित्य का कुछ मित्र बोल रहे थे कि साहित्य करा दिए, साहित्य कराना बड़ा टिपिकल सा है, क्योंकि उसके लिए फिर पुस्तकों का सामने प्रक्षेपित होना चाहिए। मेरे पास साधारण बोर्ड है और इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता तो उसमें थोड़ी सी संभावना बन जाती है कि एक मैं डिवाइस ले लेता, और इलेक्ट्रिक बोर्ड थोड़ा सा महंगा आता है, वो मेरे बजट से बाहर है। जितना मैंने कोशिश की है इसमें 1-2 लाख रुपए लगा करके, खर्च करके DSLR वगैरह ला करके मैंने कोशिश की है कि कुछ लगा दूं, लेकिन अब ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। संस्कृत में सभी राज्यों की परीक्षाओं में साहित्य तो अनिवार्य रूप से आता ही आता है। दूसरी चीज आपको बताऊं, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, दर्शन, ये प्रत्येक परीक्षाओं में कहीं की भी हो, दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, ये आता ही आता है। और मैंने संधियां, समास, कारक और दर्शन, प्रत्यय का भी कुछ भाग करा दिया है, ये करा दिया है। समास में भी थोड़ा सा ही रह गया, उसको मैं बहुत जल्दी करा दूंगा। मुझे लगा कि शायद समास आपको आते हैं, मुझे ऐसा लगा, वीडियो ना देख रहे थे कुछ लोग और लग रहा था कि वीडियो में समय नहीं दे पा रहे थे पूरा, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो समास, सभी को समास बहुत अच्छे से आते हैं, मैंने सिद्धियां भी दी हैं उन शब्दों की, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने शायद आते हैं तो उसका मतलब ही नहीं बनता। और ये चीज़ें मैंने कोशिश की है देने की, और सभी को इनको मैं पूरा पूरा जिस दिन करा दूंगा, तो आपकी हिंदुस्तान की कोई सी भी, राज्य की कोई सी भी परीक्षा हो, टेट से लेकर के नेट तक, ठीक है ना, टेट से लेकर के नेट तक की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, और राज्य की भी अलग अलग होती हैं, वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें रह जाएंगी
और मैंने भाषा विज्ञान वगैरह भी करा दिया है, उसमें कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दिया करें, तो मैं उसको ही भाषा विज्ञान में समेटने का प्रयास करूंगा। और मैं सिलेबस धीरे धीरे, जो आपको सिलेबस है आपके पास, मेरे पास कोई चीज़ सिलेबस उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत नहीं करता, सही बताऊँ ना, मैं कहीं जाता कि मैं उसको जा करके देखूँ कि RPSC में कौन सी चल रही है, UPSC में कौन सा चल रहा है सिलेबस, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा कोई खास आवश्यकता लगती नहीं और महसूस भी नहीं करता। तो अगर आपके पास हो तो मुझे व्हाट्सएप के इसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से उसको PDF के रूप में या कैसे भी आप मुझे प्रेषित कर दिया करें, या ईमेल मेरी है उसको मैं बता दूंगा, ईमेल अगर लिखना चाहें तो उस पर भेज दिया करें चीज़ें, devishadks@gmail.com, ठीक है, ये है devishadks@gmail.com, इसी के नाम से ये चैनल भी है, संस्कृत दर्शन चैनल, devishadks@gmail.com, इस पर आप मुझे भेज सकते हैं जो भी आपको PDF है, जहाँ का जिस किसी राज्य की जो सिलेबस है, सिलेबस मुझको भेज सकते हैं, तो मैं उसमें देखूँ कि कौन सा मैंने ऐसा है जिसका अध्ययन नहीं कराया, तो मैं उसको अध्ययन आपको करा दूँ। तीसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और बतानी है मुझे, प्रैक्टिस सेट की, अभ्यास के जो प्रश्न हैं, अभ्यासार्थ, ठीक है ना, अभ्यास के लिए, अभ्यासार्थ यानी अभ्यास के लिए हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं, विभिन्न परीक्षाएं होती हैं विभिन्न राज्यों में, पूरे भारत में, तो एक दो पुस्तकें उपलब्ध होती हैं बाजार में, वो हर व्यक्ति नहीं ले पाता, तो उसके लिए हम एक सीरीज चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे मुझे रामायण का पढ़ाना है, रामायण का प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक परीक्षा में जो जो जहां जहां परीक्षाएं हुई हैं, जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसको एक पुस्तक के द्वारा, जैसे यूथ कंपटीशन की आती है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन की बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें क्रम वाइज सभी राज्यों की दे रखी हैं, रामायण को निकालेंगे तो हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उनमें जो जो परीक्षाएं हुई हैं और जिस जिस में रामायण के प्रश्न पूछे गए हैं वो एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं, तो बड़ा सुलभ हो जाता है उनको लेना। तो यदि ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं ले सकते हैं तो हम एक सीरीज चलाने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करूंगा कि हमारा एक मेरा भतीजा है वो उसको वीडियो बना दिया करे, तो इसका PDF ही अगर चाहें तो कोशिश करेंगे देने का। तो रामायण है, रामायण के जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं तो उनको आप तक पहुंचा दिए जाएं, सुलभ हो जाएगा ये, आपको अच्छा लगे तो देखें, ना अच्छा लगे तो पुस्तक ले लें, पुस्तक से अध्ययन करें, वो तो मर्जी है आपकी, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ हमारे मित्रों ने कमेंट किए थे, और इस बार भी नेट निकला है कुछ बच्चों का, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं वीडियो नहीं दे पाया था, उन्हें कहा तो था कि मैं ऐसी तैयारी कराऊंगा कि जिससे कि आपका GRF भी निकल जाए, ये समय का मान लीजिए थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाए या दिमाग में थोड़ी सी कुछ गलत चीज़ें घुस जाती हैं तब भी ये काम नहीं करती हैं चीज़ें। मैंने इस चैनल के माध्यम से बहुत बार समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि मैं यहाँ जो भी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता किसी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दे, शेयर अवश्य कर दिया करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दें, जिससे कि लोगों को लाभ पहुंच सके थोड़ा बहुत, जितना भी मैं अध्ययन देने का प्रयास कर रहा हूं। और बार बार की यहाँ लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक तो करते ही हैं, उसकी तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन लाइक कहने के लिए बड़ा कहना पड़ता है। अगर आपको कमेंट में, मैं यहाँ कुछ गलत पढ़ा देता हूँ तो मुझे कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, उसमें गलत सलत ना बोलें तो ज़्यादा बढ़िया है, और बोलते हैं तो भी आपकी मर्जी है, वो आपका मनोवृत्ति दर्शाएगी। मुझे अगर सुझाव मिल जाएगा तो मैं उसको सुधारने का हमेशा प्रयास करता हूँ। जैसे मुझे भाषा विज्ञान में कई लड़कियों ने बोला था, थोड़ा सा गलत लगा था मुझे, बोल दिया था उन्होंने, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने उन दोनों वीडियो को हटा करके दोबारा से बनाया था, भाषा विज्ञान के जितने भी जो ध्वनि से संबंधित 2-3 वीडियो हैं, तो मुझे पता तो चल जाएगा कि हाँ मैं कमी कर रहा हूँ। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, मैं 1-2 बार भी देखता हूँ वीडियो, ज़्यादा नहीं देखता, तो अपनी कमी स्वयं को नहीं पता चलती, दूसरे लोगों को पता चलती है, तो उसकी कमी को दर्शाया जाए, ना कि उसकी गाली गलौज के द्वारा उसको समझाया जाए। बहुत सारी बातें होती हैं मनोवृत्तियों को थोड़ा सा अब अगर कंट्रोल में रखेंगे तो, जो यूट्यूबर हैं वो कोई समय उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है, अपना भी कुछ समय होता है, और यहाँ पैसा कमाने का उद्देश्य तो मुझे नहीं लगता मेरा है, और मिलेगा तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, ना मैं किसी से ये पैसे की डिमांड करता हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैं कुछ
वो सब्सक्राइब करिए, किसी को बताइए, उसको चैनल भेज दिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ। तो आज हम थोड़ा सा, बहुत सारी बातें हो गई हैं, और उन सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मुझे दोबारा से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है, या उनका जो प्रेम है वो मुझे उनकी तरफ आने के लिए फिर मजबूर किया है। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आज से फिर कोशिश कर रहा हूँ कुछ आपको वीडियो दे सकूँ, और उसमें अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए, कमेंट के माध्यम से आप पुस्तकों के द्वारा पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे सही करने का प्रयास भी करें कराएँ, इससे कि लोगों को लाभ मिल सके। और उस कमेंट के द्वारा अगर सही और गलत मुझे पता चलेगा तो मैं उसमें अगली वीडियो में उसको समझाने का मैं भी प्रयास करूँगा। और आज इतना ही, मैं देखता हूँ आपके लिए कुछ थोड़ा सा अध्ययन करा दूँ इसमें। बुद्धि के आज लक्षण जान लेते हैं तर्क संग्रह में। संस्कृत को सरलतम विधि से अध्ययन करना है, थोड़ा है मैं लिख दूं फिर बात करते हैं तर्क संग्रह, ठीक है। और एक बात और थोड़ा सा मैंने बताया भी है, अब लेख जो है थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है, खराब है मान लीजिए, कैसा भी है, अब इसमें सुधार तो मुझे नहीं लगता हो जाएगा, कि एक उम्र होती है हर चीज की सही करने की, तो लेख का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से साफ साफ लिखूँ, आपको समझ में आ जाए, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पर, अगर मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आज से हम तर्क संग्रह को लेंगे, और तीन चार वीडियो तर्क संग्रह की देने के बाद शायद वो खत्म हो जाए, फिर बाद में उसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम बुद्धि के लक्षण देख लेते हैं, जो बुद्धि है उसके लक्षण और प्रकार, लक्षण एवं प्रकार। या एक मान के चलिए लक्षण प्रकार या गुण एक ही चीज है। इसमें बोला गया है सर्व व्यवहार हेतुर गुणों बुद्धि ज्ञानम, ठीक है। ये बहुत सरल चीजें लगती हैं, लेकिन इनके जब अध्ययन में जाते हैं, हम विस्तृत में जाते हैं, तब पता चलते हैं कि बड़ी ही कठिन है। बुद्धि जो है वो सर्व व्यवहार, यानी कि जो जितने भी प्रकार के व्यवहार हैं उनका हेतु है, और यही इसका गुण है, यही लक्षण है। ज्ञान का या सभी व्यवहार का जो कारण है, जो हेतु है, किसी से किसी भी प्रकार का जो व्यवहार करता है वो बुद्धि कहलाती है, या उसके द्वारा, या यह मान के चलिए कि बुद्धि के द्वारा सभी व्यक्ति सभी प्रकार के व्यवहार में सक्षम हो पाता है, ये इसका मतलब है। यह कितने प्रकार की होती है, तो उसमें बोला गया सात दुविधा, स्मृति अनुभवश्च। अब मैंने इसको अलग अलग कर दिया, नहीं तो इसको कर सकते स्मृति अनुभवश्च, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बुद्धि है, इसको मैं एक और तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये लगती सरल है लेकिन समझ में बड़ी मुश्किल से आती है। प्रथम स्थान पर हम स्मृति रख सकते हैं। देखिए, किसी चीज को समझना सरल भी होता है और कठिन भी होता है। अगर हम किताब की भांति अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो कठिन हो जाएगी चीजें। बुद्धि को स्मृति और अनुभव के दो हिस्से कर दिए जाते हैं, हमारी जो बुद्धि है उसके दो भाग कर दिए गए, एक स्मृति और एक अनुभव। जो तर्क संग्रह में जो व्यवस्था दी है, अनुभव को बाद में समझाया है, स्मृति को पहले समझा दिया है, जबकि वास्तविकता क्या होती है व्यवहार के रूप में, अनुभव पहले आता है, अनुभव पहले से जानते हैं होता है, उसके बाद में उसकी स्मृति बनती है। ये मैं थोड़ा सा अभी बताऊंगा, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। स्मृति कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, ठीक है ना।
ये बोला गया है। तदभिन्नम अनुभवा, यानी उससे जो भिन्न है वो अनुभव कहलाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही मात्र काफी है। इससे जो भिन्न है वो अनुभव है, तद्भिन्नम अनुभवा, यानी उससे जो भिन्न है वो अनुभव है। अब इसको थोड़ा सा जानेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। स्मृति क्या है? संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति ज्ञानम है, ठीक है। इसको ज्ञान बोला जाता है वैसे संस्कृत में, हम ज्ञान बोल देते हैं और आम भाषा में इसको ज्ञान बोलते हैं। संस्कार क्या है इसको समझ गए तो समझ लो आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी। संस्कार मात्र जो आपकी है वो स्मृति कहलाती है। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवा, अनुभव क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा लिख दूं तभी समझ में आएगी। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवा, ठीक है ना। उससे भिन्न जो होता है ज्ञान वो अनुभव कहलाता है। अब अनुभव को थोड़ा सा जान लो। अनुभव जो होता है हमारी जो सेंसर्स हैं, जो इंद्रियां हैं पांचों, उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे भी वो आगे बताऊंगा कैसे, यथार्थ और अयथार्थ दो प्रकार के भाग हो जाते हैं इसके भी अनुभव के। साधुविधा इसमें इस तरह से बोला गया है, यथार्थ दूसरा है अयथार्थ, ठीक है। यथार्थ और अयथार्थ, इंद्रियों से ज्ञान होता है लेकिन दो प्रकार का हो जाता है, एक तो झूठ भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, दोनों प्रकार के ज्ञान हमको इसमें प्राप्त हो जाते हैं। यथार्थ से तात्पर्य क्या है, हमारी इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही हमको ज्ञान हो जाए वो यथार्थ कहलाता है। जो वस्तु जैसी है उससे भिन्न ज्ञान जो होता है वो अयथार्थ कहलाता है, होता इंद्रियों के द्वारा ही है। जैसे रजत यानी कि चांदी में यदि हमें चांदी का ही आभास हो तो वो ज्ञान हो गया यथार्थ, लेकिन कोई सीप पड़ी हुई है, सुक्ति पड़ी हुई है, सुक्ति मतलब सीप, उसमें हमें चांदी का आभास होने लगे तो वो अयथार्थ ज्ञान है, झूठा ज्ञान हो गया। ये इसमें होता है यथार्थ और अयथार्थ अनुभव के द्वारा। अब अनुभव ही आगे चल करके संस्कार के रूप में परिणित हो जाता है। कैसे होता है थोड़ा सा जान लो। अनुभव किसी चीज का, मान लीजिए पहली बार किसी बच्चे को जब बड़ा हो जाता है, बच्चे को थोड़ा सा पहली बार किसी चीज का उसको अनुभव हुआ, मान लीजिए उसको हम गंगा जी किनारे ले गए और उसको गंगा में उसको स्नान कराया पहली बार, तो प्रत्यक्ष रूप से उसने उस गंगा के जल को देखा आंखों से, फिर वो स्नान किया तो शरीर की सारी इंद्रियां, उसमें पानी का भी स्वाद आ गया, कान के द्वारा उसकी कलकल की ध्वनि भी आ गई, त्वचा के द्वारा जब स्नान किया तो त्वचा के द्वारा भी उसको अनुभव मिलने लगा शीत का, शीतलत्व का यानी ठंडेपन का। तो पानी से जो जो अनुभव होने लगे उसको, वो सब धीरे 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 संस्कार के रूप में चले जाएंगे, संस्कार के रूप में बन जाएंगे। अर्थात जो मोटे रूप में मौजूद थे इंद्रियों के द्वारा, वो बीज रूप में मस्तिष्क के किसी एक केंद्र में या सेल्स में जाकर के वो बैठ जाएंगे। वही अनुभव आगे चल करके संस्कार बन जाता है। अब बात तो यहां अनुभव से उल्टा चलना चाहिए था संस्कार का, लेकिन अनुभव को समझाना थोड़ा कठिन था, इसलिए जो चीज सरल होती है हम उसको पहले समझा देते हैं। ये नियम होता है किसी भी विषय का। तो संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति इतना कह दे, उससे भिन्न क्या हो गया, अनुभव हो गया, उससे भिन्न जो भी ज्ञान होगा। तो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जो भी होता है इंद्रियों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जैसा भी होता है वो उसमें बताया गया है। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव सद्विधा यथार्थ अयथार्थ, इसमें आगे और भी बताया गया है, इसमें लिखना चाहें तो प्रथम स्थान पर यथार्थ के बारे में लिख सकते हैं, तद्वति तत्प्रकार को
अनुभव यथार्थ। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। ठीक है, बात वही है, तद्वती तत्प्रकार को जो जैसा है उसको वैसा ही उसी भी प्रकार का अनुभव हो जाना यथार्थ अनुभव के अंतर्गत आता है। यथा इसमें बोला गया है, यथा रजते इदम रजतम, ठीक है ना, इति मतलब रजत में यानी चांदी में यह चांदी है, इस प्रकार का ज्ञान ही यथार्थ है। दूसरे बारे में बोला गया है अयथार्थ में, क्या बोला गया है, तदभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ। ठीक है, ये बोला गया है, मतलब अयथार्थ का मतलब क्या है, तद भाव अति, तद अभाव जो है उसमें उसका अभाव होकर के किसी अन्य प्रकार से उसको जान लेना ही अयथार्थ कहलाता है। जैसे यथा बोला गया है इसमें, यथा शुक्तव, शुक्तव नहीं, शुक्ति जो होती है, सीप जो होती है, इदम रजदम, ठीक है, यानी शुक्ति में बोला जाए कि यह चांदी है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो भ्रमात्मक ज्ञान है, जो नहीं है उसका हमें ज्ञान प्राप्त हो जाना या अनुभव मिल जाना, यह अयथार्थ के अंतर्गत आता है। अयथार्थ जो वास्तविकता में सत्य नहीं है, तो अनुभव हमको दो प्रकार से हुए। इसलिए जब कोई व्यक्ति बात करता है तो दोनों अपने अपने बात पर अड़े रहते हैं। कारण है कि एक यथार्थ को जानता है और दूसरा यथार्थ को जानता है। यथार्थ को जानने वाला अयथार्थ वाले को कभी भी हरा नहीं पाता। कारण है कि उसने कुछ और अनुभव किया है और यथार्थ वाले ने कुछ और अनुभव किया है, और दोनों में ये तकरार का कारण बन जाता है, तर्क का कारण बन जाता है, और उसी में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। वास्तव में दोनों को ज्ञान कहां से मिला है, अनुभव से। अनुभव कहां से आता है, इंद्रियों से। तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। उम्मीद है थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बुद्धि के लक्षण है, बुद्धि का लक्षण क्या है, सर्व व्यवहार हेतु गुण, जिसमें सभी के सभी प्रकार का व्यवहार करने का गुण हो, वही बुद्धि ज्ञान कहलाती है, वही ज्ञान बुद्धि कहलाती है ना, वही ज्ञान को या जो व्यवहार करने का जो ज्ञान है वो बुद्धि के अंतर्गत, उसका नाम बुद्धि रख दिया है। दुविधा वह दो प्रकार की है, स्मृति अनुभवश्च, ठीक है, दो प्रकार की, एक तो स्मृति दूसरी अनुभव। स्मृति किसे कहते हैं, संस्कार मात्र जन्म जानम, स्मृति संस्कार मात्र से प्राप्त जो ज्ञान है उसको स्मृति कहते हैं। अब आंखें बंद करके जो आप जानना चाहें, जितना आपको अनुभव हो गया उसको आप जान सकते हैं, लेकिन जिसका अनुभव नहीं है उसको आप नहीं जान सकते, कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए स्वप्न भी ज्यादातर हमें उसी के आते हैं जिसका हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में अनुभव हो चुका होता है। वो संस्कार के रूप में मौजूद होता है और विचारों में वो घूमता रहता है और वो उसको स्वप्न में आते हैं। तो वो स्मृति के द्वारा ही स्वप्न आते हैं, याद रखना है, स्वप्न जो है वो स्मृति के ही कारण है। और स्मृति किसके कारण है, वो अनुभव के कारण है। अनुभव तद भिन्नम ज्ञानम, ये उसको परिभाषा नहीं हुई है कोई, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवम, ये कोई परिभाषा नहीं है। इसको समझा दिया कि स्मृति से अलग जो ज्ञान होता है वो अनुभव कहलाता है। अनुभव क्या होता है, किसी चीज को जैसा है वैसा जान लेना। दो प्रकार का अनुभव मान लिए इसमें, यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव, ठीक है ना। अनुभव दो प्रकार के, एक तो वास्तविक अनुभव और दूसरा अवास्तविक अनुभव। यथार्थ क्या होता है, जैसा जो वस्तु है उसको वैसा ही जान लेना, जैसे चांदी में चांदी को जानना। दूसरा कह रहा है कि जैसा जो नहीं है उसको वैसा जान लेना, जैसे शीप में चांदी का भ्रम हो जाना। ये अनुभव की बात है। अब बात करते हैं कि अनुभव है क्या चीज, कैसे प्राप्त कर सकते हैं अनुभव को, है ना। मैंने वैसे बता दिया कि इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव होता है, लेकिन ये कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बुद्धि का पूरी प्रक्रिया बता दी गई है, अब थोड़ा हम अनुभव के पास चलेंगे। अनुभव में दो हिस्से बता दिए हैं, ये यथार्थ और अयथार्थ दो चीज है ना, तो ये प्रमा, इसी को हम प्रमा भी कहते हैं।
प्रमा का जो ज्ञान होता है प्रमा के द्वारा, या प्रमा जिसको बोलते हैं, मैंने शायद तर्क भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया है, तो प्रमा जाकर के वहां देख सकते हैं, या यथार्थ ज्ञान को ही प्रमा बोला जाता है, अप्रमा जो अयथार्थ ज्ञान हो, तो इसको भी याद कर सकते हैं आप। अब बात आती है कि अनुभव है क्या चीज। यहां एक एक चीज को अगर समझ लेंगे तो फिर समस्या नहीं होगी। तो अनुभव इसको बोला गया, अनुभव चतुर विधा, ठीक है। अनुभव चार प्रकार का है, कौन कौन सा है? प्रत्यक्ष, अनुमित्योपमिति, शब्द भेदात, ऐसे बोला गया इसको, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द भेदात। प्रत्यक्ष यानी अनुभव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मैंने बताया था कि इंद्रियों से सीधा सीधा साक्षात्कार हो जाना। दूसरा है अनुमिति, अनुमान इसका कारण होता है, अनुमान के द्वारा जो ज्ञान होता है वो अनुमिति अनुभव होता है। तीसरा उपमिति, ठीक है, और चौथा है शब्द। ये चार प्रकार के भेद होते हैं, किसके? अनुभव के। अनुभव चतुर्भेद, अनुभव चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द, ठीक, इनके द्वारा ये अनुभव होते हैं। अब ये अनुभव तो पता चल गया कि ये प्रत्यक्ष अनुभव है, ये अनुमिति अनुभव है, ये उपमिति अनुभव है, ये शब्द अनुभव है, इनके कारण क्या है? कारण को हमने, कारण भी आगे आएगा क्योंकि एक एक शब्द की परिभाषा इसमें बताया, साधकतम करणम भी सीखा है हमने, लेकिन इसमें करण को अलग से रूप से परिभाषित किया गया है। तो इनके जो करण हैं उनको जान लेते हैं, किसके? अनुभव के। जो चार प्रकार के अनुभव हैं उनके करण हैं। करण का मतलब सीधा सीधा मैंने बताया था, करण और कारण, एक तो होता है करण, ये दूसरा होता है कारण। कारण का मतलब होता है जिसके द्वारा जो चीज जन्मती है वो कारण होता है। कारण का मतलब होता है वो सहायता करता है, चीजों को जन्माता नहीं है, सहायता प्रदान करता है किसी चीज को आगे बढ़ाने में, बस ये कारण का यहां तात्पर्य होता है। तो प्रत्यक्ष इसमें भी जब जो अनुभव चार हैं, तो चार ही प्रकार के इसमें कारण है बोला गया है, इसमें प्रत्यक्ष अनुमानोपमान शब्द भेदात, सीधा सीधा है। इसके कारण है अनुभव चतुर्विधा, चतुर्विधा है, ठीक है, चतुर्विधा है, यानी कि अनुभव चार प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमति है, उपमति है, शब्द है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आगे से समझाया है कि इनके कारण क्या है, ये अनुभव चारों मिलते कैसे हैं, तो इसमें बोला गया है प्रत्यक्ष के कारण, यानी प्रत्यक्ष इसमें कारण होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा ये और ये दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है अनुमान, अनुमान से अनुमति अनुभव होता है। तीसरा उपमान, उपमान से उपमिति बनता है। और चौथा है शब्द, शब्द से शब्द बनता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको बातें साफ समझ में आ जाएंगी कि ये चारों जो करण हैं वो ही तो हमारे प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमको अगर प्रमाण निकालना हो तो हम यहीं पर प्रमाण निकाल सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये तर्क संग्रह के अनुसार चार प्रकार के प्रमाण हैं। प्रमा का जो कारण है वही तो प्रमाण कहलाता है। प्रमाण क्या है? प्रमा का जो कारण है, जो कारण है वही तो प्रमा कहलाता है। प्रमा के बारे में हमने जाना है, प्रमाण के बारे में भी जाना है, तर्क भाषा में बड़े अच्छे से समझाया है। मैंने बताया था तर्क भाषा तर्क संग्रह शब्द कोश है, इनको अगर जान लिया तो दर्शन आपको समझ में आ जाएगा पूर्ण रूप से। तो ये चारों प्रकार के जो कारण है किसके? अनुभव के, वो प्रमाण है, यानी कि प्रमा के कारण है। प्रमा क्या है? यथार्थ, यथार्थ। प्रमा का मतलब, प्रमा का प्रवाची क्या हो? यथार्थ, यथार्थ बराबर प्रमा, यूं कह सकते हो आप, है ना। इसलिए तो उनको प्रमाण बोला गया, यानी प्रमा यथार्थ, यथार्थ अनुभव, और यथार्थ अनुभव के ये हम चार प्रकार पढ़ रहे हैं।
बात अगर दिमाग में बैठ गई तो समझ में आ जाएगा। चार प्रकार के करण ही तो प्रमाण कहलाते हैं, और प्रमाणों को हम विस्तृत में जानेंगे आने वाले वीडियो में। कोशिश करेंगे बड़े अच्छे समझाने का प्रयास करें, और ये आपको कहीं ना कहीं ये ज्ञान में बढ़ोतरी करेगी। मैं परीक्षा में बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता। जो जिसका जितना पात्र होता है वो उसको छीन ही लेता है। मान लीजिए एक कुआं है, कुआं में 10 लोग पानी लेने जाएं, तो जिसके पास जो पात्र होगा वो उसी के अनुसार उसमें से पानी ले आएगा। किसी के पास लोटा है तो लोटा भर के पानी लाएगा, किसी के पास बाल्टी है तो बाल्टी भर के पानी लाएगा, किसी के पास घड़ा है तो घड़ा भर के पानी लाएगा, किसी के पास जग है तो जग भर के पानी लाएगा। जो जिसके पास जो पात्रता है, पात्र है, वो उसके बराबर जल लेकर के ग्रहण करके चलाएगा। ऐसे ही हम यदि पात्र हैं, मैं यदि पात्र हूं टीजीटी का, तो मुझे टीजीटी पद मिलके रहेगा। मैं इतनी योग्यता तो बढ़ा लूं अपनी, मैं अपना इतने काबिल तो बन जाऊं, नौकरी के पास मुझे नहीं जाना। मैं यदि पात्र बन गया तो नौकरी मेरे पास आ जाएगी। तो नौकरी के लिए कभी नहीं पढ़ाई करनी चाहिए मेरे अंदाज में। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने कभी भी किसी भी प्रकार को कभी भी टारगेट नहीं रखा कि मुझे इस नौकरी में जाना है आज तक, और ऐसी कोई परीक्षा नहीं बनी, और मैंने ज्यादा परीक्षा देने की कोशिश भी नहीं की। एक निश्चित टारगेट रहा है, जिस परीक्षा में बैठा हूं वो आराम से निकली है, बस उसका मैं पात्र बनने की कोशिश करता हूं कि जो सिलेबस है क्या वास्तव में मुझे आंख बंद करके वो आता है। आने का तात्पर्य क्या है कि जब मुझ पे आता है मैं दूसरे को क्या समझा सकता हूं, वो आने की प्रक्रिया है। याद करना एक अलग है, दूसरे को समझाना दूसरी प्रक्रिया है। यदि आप दूसरे को समझा सकते हैं और तो आप उसके 100% पात्र हैं, और आपको वो 100% मिल के रहेगी वो पद, जिस पद के भी हैं। तो ये प्रमाण उसी को भी बताएंगे आगे, प्रमाण को जानेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, और आप लोगों को फिर पुनः बहुत बहुत आभार, और सभी को प्रणाम।